हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विनय, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय प्रसाद टेक्निकल। और आउटडोर में हम लोग आज एक और वीडियो शूट करने आए हैं। जो प्रोडक्ट है वो हमने मंगाया है मी का राउटर 4C, जो कि रिसेंटली ही मैंने मंगाया है। अगर इससे पहले बात करें तो इससे पहले मैं मी का राउटर जो 3C था वो यूज़ करता था, बट उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने MI का जो राउटर 4C है वो परचेज़ किया है। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये आप कह सकते हैं 1000 रुपीज़ का, 1100 रुपीज़ का मिलता है आपको। आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मी के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ उनके ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने जो इसको परचेज़ किया है ये किया है ऑफलाइन स्टोर से, जहाँ की मुझे प्राइस पड़ी है 999 रुपीज़। अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है। काफ़ी सारे हमारे पास कमेंट ये भी थे कि इस प्रोडक्ट में रेंज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट जो मेरा यूजेज है वो मैक्सिमम 1 BHK है, तो 1 BHK के लिए काफ़ी एक अच्छा राउटर है। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट मैंने जो लिया है वो लिया है मैंने ऑफलाइन स्टोर से, MI के स्टोर से, बट आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और MI के स्टोर पे मिल जाएगा। तो तीनों का जो लिंक है वो मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो अगर आप चेकआउट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे ऊपर Xiaomi का लोगो बना हुआ है। MI राउटर 4C 300 Mbps हाई स्पीड है। इनोवेशंस फॉर यू लिखा हुआ है। 4 एंटीना का वाइड कवरेज है। फुल कंट्रोल विथ मी वाईफाई ऐप, तो ये इसी की बात कर रहा था मैं कि ये जो आपका राउटर है ये फुल्ली कंट्रोल हो जाता है आपके MI के ऐप से, MI वाईफाई ऐप से। तो इससे क्या है, अगर आपको किसी डिवाइस को ऑथराइजेशन डीऑथराइजेशन है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पीड बूस्ट कंट्रोल और हैवी टास्क है। प्रोडक्ट में जो प्राइसिंग दी हुई है 1199 दी हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यूजली आपको ये 1000 रुपीज़ या 1100 रुपीज़ में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इन द बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें मिलता है लिंक जो है वो होने वाली है, और जो इसका आउटपुट है 12 वोल्ट 0.5 एम्पीयर पर मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा कम पावर कंजप्शन करने वाला है। यहाँ पे हमारे पास मिलता है सेटअप गाइड, किस किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा हमें मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, और हमें मिलता है मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे MI का लोगो बना हुआ है, यहाँ पे MI का लोगो बना हुआ है। दो यहाँ पे लाइट्स मिलती हैं, पावर की और ईथरनेट की। तो अगर आपका इंटरनेट आ चलेगा तो वहाँ पे आप देख पाएंगे। जो ये 2 4 एंटीने दिख रहे हैं आपको, इसमें से 2 रिसीविंग के लिए हैं, 2 सेंडिंग के लिए हैं। फ्रंट में कोई लाइट नहीं मिलती है, पिछला वाला जो 3C था उसमें हमें फ्रंट में एक ब्लू लाइट मिलती थी देखने को। बैक की बात की जाए तो बैक में आप देख पाएंगे यहाँ पे MI 4C ब्रांडिंग है, 4C एम लिखा हुआ है, 12 वोल्ट 0.5 एम्पीयर लिखा हुआ है, 2.4 GHz और एक कुछ डिटेल्स दी हुई हैं हमें। बैक में अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है रीसेट की, इसके अलावा मिलता है ईथरनेट कनेक्शन। इसमें 2 हमें RJ45 के कनेक्टर मिलते हैं, तो आप इसमें 2 ही वायर्ड कनेक्शन यूज़ कर पाएंगे, और इसके अलावा हमें मिलता है एक पावर प्लग इन करने के लिए। तो ये ओवरव्यू तो फ्रेंड यही है, बाकी इसको हम सेटअप कर लें और उसके आगे वीडियो दिखा दें। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने, ये हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की MI राउटर 4C की अनबॉक्सिंग एंड एक रिव्यू। कैसा लगा है आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको कोई सवाल होता है, सुझाव होता है, इससे रिलेटेड बैकग्राउंड हमने चेंज किया है, इससे रिलेटेड किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इस तरह की वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।